हाँ जी, शुरुआत हो गई है जी। पहली हमारी शाम के दिन तो हमारा बारिश के चक्कर में ही गया, और हम जा रहे हैं आज बार इनकी भाषा में कहे जाए तो अच्छी जगह क्योंकि हम अच्छी जो होते हैं यार, बोलो साहब, आपने अच्छी तो जगह ले चलो, अच्छी जगह की मतलब परिभाषा। अच्छी जगह क्या है सर, आपने तो करी नहीं, जो भाभी ने पसंद करी है उसी पे जा रहे क्योंकि हैं। मैंने कहा यार, मैं ना ढूंढ ढूंढ के जगह रिसर्च कर करके, मैं तो अपने काम धंधे के लिए करता हूँ, मैं गया हूँ थक। और फिर किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, लफड़ा अपने पे आया था। तो इसलिए मैंने कहा लेडीज के लिए, फैमिली के लिए आए हैं, भाभियों को बोला जाए, भाभियाँ ढूंढे, उनको जो पसंद जगह आएगी वहां चले। बिल्कुल, ओके, बहुत ताजी है सर, हाँ बहुत ताजी है, मगर ह्यूमिड बहुत है, कैमरा में पूरी ओस जम गई है, ब्लर नजर आ रही है मैं उधर। कह रहा हूँ मेरे चश्मों पे वो जम गई है। हाँ भाजी, बाढ़ आ रखी है एकदम, लिटरली से कहना बाढ़, सुनामी आ रखी है, सुनामी इतनी है। पोरी। दो क्यों चाहिए, अब बड़ी आ जाएगी तो अगर इनोवा दे देंगे तो एक से काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे नहीं जाए ना, बच्चे जो हैं वो जो इनकी डोमेस्टिक हेल्प है उनके साथ है। और भाई सुखुंदर जी ने जिद पकड़ी हुई है, मैं जो गोवा आया ना, मैं बाहर जाने, वैसे ये लोग दिन में अपना बीच वगैरह घूमा है, मैंने रेडी कर ली। अब आपको शिकायत नहीं होगी, मोहित भाई रोज नई शर्ट पहन रहे हैं और फंकी शर्ट पहन रहे हैं। कैसे लगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है जी, जो होटल की टैक्सी कराई है किसी ने रेट पूछा है? 500 ठीक है। ओए वापस कैसे आएंगे, यहाँ उबर उबर का नहीं होता इस टाइम, बारिश हो रही है, उसी को रोकना पड़ेगा, पिकअप करेगा तो 1200 ले ले और रुक जाए भाई, है ना, ऐसे कर लो। देखो जी, कैमरा तो मेरा रिटायर हो गया, अभी जब तक इसकी ओस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती फोन से ही चलेगा काम। और ये गाड़ी आ गई लोड, मैं आगे बैठता हूँ, रिकॉर्ड कर दे, बच्चे पीछे। पर पार्टी जाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ 3 दिन पहले मेरे घर में जो किस्सा हुआ था वो बताने। क्या हाल है मनोज जी? एकदम बढ़िया सर। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, हैं कि क्या सामान मंगा रखा है इतना सारा? अरे सर आपको तो पता ही है, आते सारे सामान मंगाना, आते साल की चक्कर नहीं, तैयारी सारी जाने की है। क्योंकि भाई साहब ये देखो, ये माता जी के वो आ गए, क्या कहते हैं, नेचुरल स्लीप एड सप्लीमेंट, मम्मी की दवाइयाँ, मेरे शैम्पू, जो चीज़ें यहीं मिलती हैं ना वो सारी की सारी आपको पता, फिर यहाँ मंगवानी पड़ती हैं। बाकी उसके अलावा भी ज़्यादा बड़ा डिब्बा इसलिए आया है क्योंकि ये वो फ्लेवर है, आपको बताइए जी, हमारी फेवरेट, हमारी पूरी फैमिली की प्रोटीन सप्लाई, माई प्रोटीन, इसलिए आया है क्योंकि ये है कुल्फी फ्लेवर और जबरदस्त। हाँ, और ये मिलता नहीं है कनाडा में, तो सनी का फोन आ गया था कि भाई कुल्फी लेते हैं ना, और कुल्फी के बाद फिर उसका और मन किया तो कहता यार फिर आइसोलेट जो है ना वो मैं ले लूं, केवेंटर नहीं है चॉकलेट शेक वाला, उनका फ्लेवर है ये, हेजलनट चॉकलेट, और ये देखो फिर पिस्ता आइसक्रीम, पूरा उसने जो है बंडल ऑर्डर कर दिया, और अमेजोन की डिलीवरियों पर डिलीवरियां आई जा रही है हर दूसरे तीसरे दिन, ये भी ले आओ वो भी ले आओ। सर वैक्यूम पैड मतलब सॉलिड सर, सीधा यूके से आता है, इंडिया में भी जो मिलता है डायरेक्ट यूके से आता है वो सारा। हाँ हाँ हाँ, आपने भी अगर माय प्रोटीन के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हो तो भाई वेबसाइट पे बड़ा जबरदस्त डिस्काउंट लगा, और मेरा कोड अगर आप टीडी फैमिली जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जाके डाल देंगे तो आपको एक बढ़िया एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। माही मगर जो है ना, एक बड़ी खास चीज मंगाई है बड़े खास आदमी के लिए जो आने वाला है, उसकी वेट हो रही है भैया, वो देखोगे ना हाँ। भाई साहब उसको उसकी इस चीज की जरूरत है। अरे मैंने इससे 10 चीज मंगाई है उसके लिए। अच्छा जी, क्या बताओगे, अभी डिक्लेयर नहीं करोगे? अभी आन दो उसको, उसके मतलब की चीज है। बाकी आप बताओ फिर गोवा की तैयारी का क्या सीन है? मोचा जी हमारे लिए क्या इनमें से? अरे मजाक कर रहा हूँ सर, आप पहले ही आपके लिए सर हमारी जान हाजिर है, जान हाजिर है, पर ऐसी बात इतनी कम वॉल्यूम में क्यों बोलते हो आप? लोग कहते हैं कि मांगते ही रहते, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई साहब, ये मजाक है एक दूसरे के साथ जो हम यारी दोस्ती में चलते हैं। जितनी मर्जी गालियां दे तेरे को जवाब नहीं दे सकता, क्यों? मुंह में माउथ वॉश डाला हुआ है, घर से रोटी खा के आया, ब्रश करना भूल गया। जेब में लेके कौन घूमता है भाई जी? जा रहे थे बाहर तो गाड़ी देखी सुखुंदर जी की, तो रुक गए, बहुत बढ़िया गया सर, बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया। नीरज भाई भी आ रहे हैं, भाई के साथ बैठे गप्पे शप्पे मारे। हाँ 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 हाँ, गप्पे शप्पे मारे, जो एक्चुअली अरेंजमेंट है उसमें घेरना है, एक्चुअली वो है असली प्लान सर। आप नहीं घेर पाओ, नहीं घेर पाएंगे, रखी है, जल्दी आओ आओ
भाई आपके लिए मंगाए हैं मैंने, देखो जी अब होता ये है कि भाई जो है सॉलिड लिफ्टिंग के अंदर आ गए हैं, तो इसलिए लिफ्टिंग वाले भाई लोगों के लिए जो है ना ये आई है सर यूके का पहला अप्रूव्ड प्री वर्कआउट जो कि ड्राई है, ड्राई प्री वर्कआउट। तो ये भाई साहब ऐसी आइटम है जो आपने अपने जबान पे रखनी है और घुल जाएगी, ना इसको पानी में मिलाने का लफड़ा, ना शेकिंग वेकिंग कुछ नहीं, स्कूप लो आपने। हाँ इसको मतलब स्पेशल इस तरीके से इंजीनियर किया गया है कि एकदम फास्ट मेल्ट आपके आएगा जबरदस्त जो है ना इसके अंदर इंग्रेडिएंट वगैरह। और केक कैसी मिलेगी कि पैसा पाना तुसे सुगंधर नु एक हाथ तो दूसरे हाथ में उनु चख लो ओ तने बिना प्री वर्कआउट सही बात है मगर हम लोग कितना चखेगा रिकॉर्डिंग हो रही है सर जी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का बड़ा ही तगड़ा ब्लेंड है, आप ट्राई करो और हमें बताओ कि भैया क्या रिस्पांस है, क्योंकि हमने लिफ्टिंग वगैरह तो करनी नहीं होती ज़्यादा, तो इसीलिए सनी के लिए तो मैंने ये वाला सामान सारा मंगवा लिया था। भाई जो है ट्राई करेंगे तो फिर उसके बाद थोड़ी सी इसकी फीडबैक भी देनी है आपने। और भाई जी अगर आपके भी कोई जान पहचान में जिसको लिफ्टिंग का तगड़ा शौक होना तो उसके लिए बढ़िया गिफ्ट भी हो सकता है। TD फैमिली कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, बढ़िया डिस्काउंट पहले ही चल रहा है, एक्स्ट्रा और मिल जाए। ये कौन सा इलाका है भैया? कैंडलिप हॉलिडे स्ट्रीट बोलते हैं। कौन सी स्ट्रीट? हॉलिडे स्ट्रीट ओके। ये एक्सपैट्रिएट एरिया आप कह रहे हो, मतलब सारे फॉरेनर आते हैं? पूरा भरे गए हैं। अच्छा नहीं वो घूमने आते हैं या रहते हैं? घूमने के लिए है। अच्छा चांस अभी गया इंडिया में पूरा चेंज हो गया। अच्छा क्योंकि भाई देखो मेरी बीवी भी फॉरेनर है तो उसको अगर फॉरेनर वाले एरिया में घूमना तो ये अभी कोई नहीं मिलेगा इस सीजन टाइम में। फुल इधर जितना है ना यहाँ पे टेबल डाल के मिलते हैं। तो सीजन टाइम आप कहते हैं किसके? अक्टूबर से जैसे कि फ्लाइट चालू हो जाएगा तो फॉरेनर आने चालू, अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक। वाह जी वाह, बिल्कुल ही खाली पड़ा, कोई गाड़ी नहीं लेना नहीं देना नहीं। ये सर बीच के ऊपर है यानी कि बीच दिखते हैं ये जो है ना लाइफ गार्ड का एकदम आगे बीच ही बीच है। ओके पूरा बीच का व्यू है इसके, इसके लिए मस्त चलते हैं फिर खुश हो जाता है। ओके तो यहाँ की पॉपुलर जगह ये कहने का मतलब है। ओके सर ये तो बिल्कुल वही म्यूजिक बज रहा है अरबी वाला है। अरे हिला जरा ठुमके फर्स्ट क्लास भाई। ऐसा एक बार होता था दिल्ली में, अब है कि नहीं पता नहीं, अशोक होटल में उसका नाम था मशरबिया, वहां बेलन डांस सीखने जाते थे। अब ये तो हो भी रहा है यार भाई डांस, भाई ये डांस तो देखना मेरे को बड़ा शौकीन है। मम्मी मम्मी को भी बड़ा पसंद है, बेली डांस होता है ना ये। हाँ क्या बात है, ये प्री प्लान नहीं था भाभी जी, हमें नहीं पता था होता है यहाँ पे। ये भाई साहब कला होती है, बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग लगती है इसके लिए। भाई साहब क्या डांस हो रहा था? अच्छा जबरदस्त बेली डांस अब होगा, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ नहीं हो तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। अरे मजा आ गया, बड़ी जगह आ गई, बड़ी जगह आ गए हैं। अरे बाबा जी क्या जगह लाया, मजा आ गया। ओ चला जाओ, मेरे को लगा गुलाबी आंखें हैं। ओके ओके ओहो मैडम ब्रेक ले रही है अभी, उसके बाद खिंच रही है मुकाबला एकदम बढ़िया। आओ क्या होगा, आओ क्या होगा, लड़ाई हो रही है बीच में, कौन बैठेगा? सुगंधर जी को बैठाते हैं एंड में, सॉरी सर बीच में आप ही बैठे। माहौल बना हुआ है पंखा चलाओ यार, गर्मी लग रही है। क्या बात है, डांस शुरू हो गया भाई, क्या बात है बढ़िया माहौल बन गया यार। उसकी जो दूसरी तरफ एरिया है ना वो एक्चुअली बीच का ही हिस्सा है, तो वहाँ पे सारी सैंड सैंड है जहाँ लोग बैठे हुए हैं प्लास्टिक टेबल्स पे। हम इसलिए बैठे हुए जूते शूते पहने हुए, रेत पड़ जाएगी। आज ही डिसाइड हो गया कुछ क्या मंगाने हैं आपके लिए? को मंगाऊं वजन वही तो। अभी जो लोग डांस करते ना अपने सब्सक्राइबर्स फैमिली से ही निकले, टीडी फैमिली से मिलके गया अभी अभी, मजा आ गया। सरदार जी यहाँ राउंड मार के आते हैं, स्कैनिंग कर रही है ना, स्कैनिंग आप एरिया की आप कर रहे हैं, स्कैनिंग करके आएंगे। शर्माते क्यों यार, आ जाओ, तीनों नहीं जा रहे हैं, हम तीनों नहीं जा रहे हैं, क्यों आप नहीं चल रहे हैं? बात आप यार पार्टनर दिन कराएंगे, बट आई डोंट वांट टू गो एनी क्राइम। अब यार विद द फैमिली चल रहा, तेरे को क्या लग रहा है क्या कराने लेके जा रहे हैं? सुखविंदर जी के मुंह कुछ नहीं बता। सुखविंदर जी गए हर टेबल पे चेक करने के लिए कौन क्या खा रहा है,
तो इसीलिए जो पसंद आएगा वो वेटर से पूछेंगे ये बढ़िया लगा, जरा ये बता क्या आइटम है। फुल स्कैनिंग चल रही है। ये सुकुंदर की ड्रिंक बनी है पीछे, ये कर मास्टर, ये कर बॉम्ब, ये क्या क्या है जी? मशरूम। मशरूम, ओके। ये भैया जो मैंने मशरूम ग्रिल्ड वाले लग रहे हैं, ये चिली मशरूम है। चिली मशरूम है, अच्छा मैंने ग्रिल्ड वाले मंगाए, ठीक है। मैं तो वापस सीट पे चला गया था मगर अभी भी देखा वो डांसर वापस आ गई। आओ अच्छे शॉट भी लेंगे, नजदीक से देखेंगे। पहले बीवी चेक कर रहा है किधर। नहीं नहीं मैं ये एयर बॉम्ब लेके आ रहा हूं जो एक। हां जा दे। अच्छा ड्रिंक चेक कर रहा था। ओए होए सुधी ये पॉन्स मंगवाए हैं जो वाला भाई कह रहे हैं, इनकी सर्विस काफी अच्छी है, वाकई अच्छी है यार, बहुत सी जगह पे आए हैं। और सर्विस वाकई जेन्युइन। आपको चिल्ली चिकन खिला के खाना चाहिए, चिल्ली पनीर जो इतना अच्छा बना सकता है ना, मशरूम चिल्ली मशरूम और चिल्ली चिकन गजब बनाएगा। आपकी तो कमजोरी है वैसे ही, ट्राई करेंगे एक बार। मेरी कमजोरी तो मेरी फैमिली है, एंजॉय करें वहां, मैं खुश हूं। वाह सर, कोई तो मक्खन मारने की अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया करो ना, सच बोल रहा हूं। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि 5 मिनट पहले ही इसने ये चीज ऐसे कर दी, कई बार ओवर कर जाता है। पर ठीक है कोई बात नहीं। अतुत्तम सरदार जी शॉट बोल रहा है, क्या आप बोल रहे हो? नहीं ये कोकोनट वाटर जो सामने पड़ा है या कोई ड्रिंक बनाई है उसकी? वाटर मेलन रमबेस है, तरबूज है वो। ओके 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 चलो। ओहो आ गई मैडम, आ गई फिर से भाई। क्या खुशबू आ गई यार, बड़ी देसी खाना बढ़िया है। यानी मंगाओ फिर मुहिमा, लस्सी मंगवाई है आपने? बॉटम साहब क्या बात है, तुम मुझे ना ताव ले नहीं। मेरा काम नहीं करा। आपका काम? मैंने कोशिश करी, मैंने पूछा कि क्या उनके साथ डांस करना अलाउड है, उन्होंने मना कर दिया। मैंने पूछा उनसे, हमने सोचा था सुकुंदर जी को भेजेंगे डांस के लिए, मजा आ जाता। ऐसे ही भेजेंगे यार मशरबिया, मैं तो हर टेबल पे जाके डांस करवाती थी यार। अरे वाह मेरी आइटम आ गई, ग्रिल्ड मशरूम फाइनली। शॉर्ट्स पे मिले ना वो अलग बना देना, शॉर्ट्स है ही नहीं कोई। अरे ये जो देखो, अच्छा वो हाँ वो अलग बना देना, उसका अलग बना देना। सर कैसी बात कर रहे हो यार, सारा भी लेगी होना चाहिए। हो गया हो गया, क्या हो गया? अबे वहाँ जाके क्या डांस करना है? मैडम से रिक्वेस्ट करिए कि स्पेशल यहाँ आएंगी टेबल पे आके डांस। भाई उनका शो खत्म हो गया है और शी वाज लीविंग एंड शी जस्ट केम स्पेशली। क्या यार वो मान भी गई थी, सब कुछ हो गया था, सुकुंदर जी शर्मा गए, कह रहे मैं नहीं। मान भी गई थी वो, कहती बेली डांस भी कर लेंगे 2 मिनट के लिए। हां शी वाज लाइक स्पेशल 2 मिनट डांस आई विल डू बिफोर लीविंग। फिर मैंने मोहित को कन्विंस करा कि भाभी नाराज हो रही है, ऐसा कुछ मत करो कि रात को जाके पिटाई हो जाए इसकी। फिर मैंने वैसे मैंने तस्मीन भाभी जी से परमिशन ले ली थी, फिर यही शर्मा गए। बेली डांस मत करो सर यार, देखो ना जो ये घर वाला था रिपीट कर रहा है। तो फिर अगर मेरे बिहाफ पे ऑर्डर कर दे बीवी ना, चल ले शॉट मत लगा। हो गई लड़ाई, हो गई मगर जो है ना अभी अभी गुलाटी साहब ने इसी सिचुएशन पे एक शेयर अर्ज किया। उसने मुझे कसम दी कि महफिल में पीना नहीं है, यारों ने उसी की कसम दिला के पिला दिया। अब तो आप नागर में जोगे भी नहीं रहे सर। दिस इज अ टोस्ट फॉर पारस भाभी, शेयर्स करके एक बार पी लो। कितने कमीने हैं दोस्त, एक दूसरे की ऐसे बचा लेते। नहीं सर भाभी ने मना कर दिया, नहीं ले भाभी के लिए कोई सलामी देनी है भाभी को, तो भाभी को सलामी वेस्ट कर देना इसकी तो ही नहीं।
पर मैंने कहा हर तरह की वाइब होनी चाहिए भाई जी। मशरूम आके बहुत बढ़िया, एक तो मैंने गुजराती भाई बहुत बैठे हैं यहाँ पे, उसने गाना तो लगे दिल लगे पूरी गुजराती, तो सारे गुजराती भाई पंजाबी गाने भरे डाल रहे हैं भाई। ऑफ सीजन है तो यहाँ पे तो इतनी ही भीड़ है, मतलब फिर भी टेबल खाली नहीं है, वरना यहाँ जगह नहीं होती भाई जी। ठीक ठाक खाया, काफी ड्रिंक्स भी मंगा ली, कुल मिला के 9,100 रुपए का बिल आया। मगर इन्होंने कहा कि अगर आप जोमेटो पे जाके पे कर देते हो हमारा बिल तो उस केस में को 15-20% डिस्काउंट लग जाएगा, तो 7,000 का पड़ा, विच वॉज गुड। और जगह ओवरऑल सर्विस के हिसाब से खाना भी ठीक था, टेस्ट बढ़िया। हाँ जी, फिलहाल तो वापस आ गए हैं, अब हम कंटिन्यू करेंगे अगली जगह जो कि हमने कल सुबह जा रहे हैं। थोड़ी यार ओस की बड़ी प्रॉब्लम है कैमरे पे। अगला दिन हो गया मगर शुरुआत बिल्कुल गल की तरह हुई है, पोरिंग रेन। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? एंजॉय कर रहे हैं सर, बारिश एंजॉय कर रहे हैं? अरे वाह, मैं यही तो कहा था जगह से फर्क नहीं पड़ता। यही कह के एंड में खुद को तसल्ली देनी है क्योंकि और तो कुछ कर नहीं पा रहे। बट आप तो फिर भी कल घुमाए हो गोवा, मार्केट वार्केट तो घूमा है कल, शाम को भी अच्छा था। हाँ, शाम को अच्छा था। देखो ये जो बारिश है ना, ये बारिश हमें फिरोजाबाद में नहीं मिलती। अच्छा, और ये हवा भी नहीं मिलती। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया, और दो रीजन ढूंढ लिया आपने, शाबाश सर। और इनका समय तो बड़ा कीमती है। हाँ हाँ हाँ, वो भी हमें नहीं मिलता पूरा। भाई साहब सर को कॉल करो ना सर, मॉर्निंग सर मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है बैठो। सर गुड आफ्टरनून सर, मेरे सामने कोई बैठा हुआ है। सर गुड इवनिंग सर, सोच रहा हूँ सर अपनी बात, मॉर्निंग बात करते हैं, अभी 30 सेकंड की बात है, फोन बच जाएगा। थैंक यू सर। मैं का पता नहीं क्या पड़ा हुआ, बाद में लगा साबुदाना है, परस भाभी लेके आई हैं और सर लेके आए हैं। ये क्या भाई, बहुत तेरी बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ आज आप जापानी डे है आपका आज है। आई क्या भाई, वाह जी वाह, एग बेनेडिक्ट मैंने एक क्या ट्राई किया है भाई साहब, सबके रिक्वायरमेंट आ गई है, बेनेडिक्ट ही बेनेडिक्ट लग गए हैं। ये अंडा है, अंडा कहाँ है इसमें, पॉस्ट है, इसको काटोगे ना अंदर से पीला पीला। कल याद है कल इसी पे आप मेरे से बहस कर रहे, ये सनी साइड अप है, वो होता है सनी साइड अप ये। ओ भाई साहब आज संडे ब्रंच है, उसकी तैयारी हो रही है, क्या क्या सामान लग गया यार। ओए। अब जी आ गए हम रूम में, मगर एक मुसीबत ये है कि ऐसी बारिश हमारे कपड़े उतरे, जो बच्चों के भी है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी कल वाला। बट अब जो है क्योंकि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी रिटर्न की, तो उसको रीएडजस्ट कराने के लिए बैठे। खोलिए हमने वापसी की टिकट, अभी ये रेट आ रहा है। उधर भाभी जी बैठ के फोन पे फुल बहस कर रही है उनसे, यार तो बहुत गलत बात है, आप वापसी के हमें कम पैसे रिफंड दे रहे हो और हमको टिकट बहुत महंगी पड़ रही है। एयरलाइन तो ये कहते हैं एक दिन पहले अपनी छुट्टी कट शॉर्ट करके आ जाओ, या एक दिन बाद आ जाओ और होटल के पैसे फालतू भरो, या फिर जो है आप उसी दिन की अगर फ्लाइट लेनी है तो ऐसी लो जिसमें 5 घंटे बैंगलोर में हॉल्ट। अब क्या करे, बंदा फंस जाता है यार। रिफंड भी अगर लेना हो तो अब वो आधे पैसे का रिफंड देंगे, अब वो ये कहेंगे 10,000 में से जी आपकी जाने की टिकट 7,000 की, आने की तो 3,000 की थी, अब दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी 5,000 की वापस जाने के लिए। एयरलाइन कर देती है फ्लाइट तो क्या कर देते हैं, मैंने तो यही बोला, मैंने कहा मैं दिल्ली से, तुमने मेरी कैंसिल करी होती है ना, मैं आती ही नहीं है, गोवा कैंसिल कर देती है, मुझे जाना ही नहीं है। अब तुमने मुझे लाके यहाँ लाके इधर लाके और कैंसिल कर दिए, कितनी गलत बात। गुलाटी साहब क्या बात हो रही थी, ये सुखुंदर कहता था कि ये जो पंखे है ना ये ऐसे बढ़िया लग रहे हैं मेरे को, ये स्विच भी बढ़िया है यार, इसने कहा था। फिर बात छिड़ी कि भाई गुलाटी साहब आप मोहित जी के घर में कौन से पंखे लगा रहे हो, तो गुलाटी साहब ने कहा पंखे तो हम लगा के देते ही नहीं है, पंखे तो होते ही नहीं घर के अंदर। ठीक है जी, मैंने इतनी देर में फटाफट सर कॉन्ट्रैक्ट खोला, कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा हुआ पंखे इन बेडरूम एंड बाथरूम, और साथ में प्राइस में लिखा हुआ 6,200। इसी वजह से जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना भाई के साथ, इसी वजह से मेरे को इतनी गालियां पड़ी थी कि दोस्त पे भरोसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, असल में चक्कर ये है कि ये मेरे को ना स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह भी कुछ दे रहा है जो कई चीजें आम लोगों के लिए नहीं करता, कई सो वो भी थे, इसलिए वो रिकॉर्ड होता है हमारी याददाश्त के लिए, वरना मैं इसको कोर्ट ले जाऊंगा। मैं तो सर देखो अपनी जो है ना एडिटिंग का थोड़ा सा लेट हो गया,
पैंट मैंने अपनी प्रेस कर ली, एक कमीज भी मैंने प्रेस कर ली है, ये मैं बैकअप के लिए कर रहा हूँ कि कहीं बाय चांस आप मेरी जो मैंने कमीज प्रेस करी है उसका मजाक उड़ाओ तो मैं ये पहन सकूं। अरे नहीं उड़ाएंगे सर, कैसी बातें कर रहे हो आप, देखो ना एक बार मजाक उड़ा। भाभी जी अंदर ना एक कमीज टंग रही है, जरा निकालना, क्योंकि ये आ गए कि हम तैयार हैं, जल्दी रेडी हो। मैंने कहा मैंने वीडियो एडिट करी है, दूसरी कमीज प्रेस कर रहा हूँ, वरना मैं तो तैयार होता है। नहीं नहीं ये नहीं, ये तो पहन चुका हूँ, ये वाली, ये देखो सर, ये देखो सर मेरा बदन दिख सकता है थोड़ा थोड़ा। ये मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि है ना धूप नहीं है, जिस दिन धूप ना उस दिन ऐसे अंदर का दिखता नहीं है। अरे धूप हो ना तो ये बंदे ने ये टी शर्ट पहनी हो, पूरी पीठ नजर आती है इसमें शर्ट पहनी हो। असल में ये मैं ये ले नहीं रहा था, मगर सही ने कहा तू ले ले और ये डिस्काउंट में मिले थे ना, छे छे दे। अरे आप पहनो सर इसको, पहनो अच्छी लगेगी। अच्छा? हाँ अच्छा मैंने आपको कहा था ना मैं आपके लिए ऐसी शर्ट लेके आया हूँ जो सिर्फ आप ही कैरी कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। आप कह रहे थे मोहित जी मेरे लिए एक शर्ट नहीं लाई, एक भी ये देखो ये पहनो, ये मैंने क्यों लगा आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, बैंगनी का है प्रिंट देखो यार इतना मजेदार प्रिंट है भाई साहब, रॉयल रॉयल प्रिंट है यार, खूबसूरत लगेगी, अच्छी है, बहुत प्यारी लगेगी यार। और ये मैं नहीं कैरी कर सकता ऐसा जबरदस्त बोल्ड प्रिंट, आपके लिए स्पेशल लेके आया, बहुत अच्छी तरह से ये आप अगर अगर अच्छी लग रही है आज कसीनो पहन के आज यही जा रहा है, लकी शर्ट आपके लिए सर, आप जीत के आओगे। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं जरूर पहनूंगा पक्का, चलो मैं जरूर पहनूंगा, बोलो आपके लिए प्रेस कर लूं, नहीं मैं खुद प्रेस कर लूंगा। पता कितने की शर्ट दी है सर, चाहे जितने मर्जी के हो आप प्यार से लाए हो। हाँ नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, डील बड़ी अच्छी मिल गई थी, मनी डजंट मैटर सर, गेस करो कितने की होगी सर। देखो आप जब डील डूल की बात कर रहे हो तो फिर मैं उस हिसाब से रेट कम ना कर दूं। नहीं नहीं आप कर दो कोई बात नहीं। नहीं नहीं बताओ बताओ अंदाजा लगाओ सर, देखो अगर शर्ट की क्वालिटी देखो फैब्रिक देखो कम से कम तो सर ये 5-6 हजार की शर्ट तो है यहाँ पे। अच्छा और डील में कितने की मिलेगी, डील में सर कितने की मिल जाएगी, 2,000-2,500 तक की, इससे कम क्या मिल सर, ये $8 की शर्ट है। तभी आप इतने खुले दिल से लाए हो, थैंक यू मनोज जी। सर मैं फिर वही बात कहूंगा, कम से कम लाया तो ये बात भी ठीक है ना भाभी, घटो घट ले आया ना, ऊपर से ईमानदारी देख भाई की, 5,000 वाली चीज तो वाकई बता रहा है। और ये $8 बढ़ाने का एक मेन रीजन ये है कि आप लोग भी अब यूएसए का ट्रिप लगाओ, शॉपिंग वहां कराऊंगा आपको, समझ रहे हो? डन है सर, डन है। हाँ जाओ जल्दी चलो सर, मैं जा रहा हूँ, बाकी टोपी देखो मेरे ससुर जी लेके आए हैं मेरे लिए। पक्का? ये देखो ये ससुर जी लाए हैं मेरे मेरे लिए, एक बार पहन के दिखाओगे मजा आ जाएगा, अभी पहनना। ओह तेरी कावर लग रहे सर आप तो बिल्कुल ही, सुखविंदर जी चलो ठीक है ठीक है, फिर कमीज चल जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो फिर आप लोग पहुंचो, मैं 2 मिनट में नहा के आया, ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना बाद में, पहले बता रहा हूँ।